The next question is question number 15. 1 plus cos x tan y dy by dx is equal to 0. So, we have to solve this differential equation. Separating the variables, उसके लिए हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इक्वालिटी के दूसरी तरफ हम कुछ डेटा शिफ्ट करेंगे ताकि इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकें. सो प्लस वन लेफ्ट साइड पे था, राइट साइड पे शिफ्ट हुआ, दैट विल बिकम माइनस वन. अब हम डी वाई और वाई वेरिएबल्स एक तरफ रखते हैं और डी एक्स एंड वेरिएबल ऑफ एक्स एक तरफ कर देते हैं. सो tan y and dy will remain in left hand side और minus 1 ये cos x divide होगा dx right side पर आकर multiply हो गया. tan y को हम लिख सकते हैं sin y over cos y dy और ये 1 over cos x is basically secant x. ये minus हमने left side पर shift कर दिया. ये इसलिए कि जब हम अब integration apply करेंगे तो fraction है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, यानी कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई होता है, इसलिए हमने ये वाला माइनस शिफ्ट कर दिया था लेफ्ट साइड पर. अब कॉस वाई का डेरिवेटिव मौजूद है, लिहाजा हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट विल बिकम लॉग ऑफ कॉस वाई, जो कि एक्चुअली लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है, और राइट साइड पर सीकेंट एक्स, और इसका इंटीग्रल हम जानते हैं लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉग सी. दो वैल्यूज लॉग में एड हो रही हैं, हम प्रॉपर्टी लॉग की यूज करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगी ये वैल्यूज, कंपेरिजन, एंड वी हैव कॉस वाई इज इक्वल टू सी इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, विच इज एक्चुअली द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 16. y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स. दो टर्म्स हैं डी वाई बाई डी एक्स की. हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं. डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ शिफ्ट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल आएगा. सो लेट स्टार्ट अवर सोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, मल्टीप्लाई किया हमने 3 को राइट हैंड साइड की दोनों टर्म से, लेफ्ट साइड विल रिमेन सेम. अब डी वाई बाई डी एक्स दोनों को एक तरफ शिफ्ट कर दिया, 3x dy by dx एंड दिस माइनस x dy by dx शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड विल बिकम x dy by dx. सो वी हैव y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x dy by dx. नाउ dx ये लेफ्ट साइड पर आया, 4x डिवाइड हो जाएगा, dy ये y माइनस 3 राइट साइड पर आकर डिवाइड हो गया. वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेशन अप्लाई की, एंड वी हैव 1 ओवर y माइनस 3 dy इज इक्वल टू 1 बाई 4 1 ओवर x dx. 1 ओवर y माइनस 3 का इंटीग्रल हम जानते हैं log ऑफ y माइनस 3 और 1 ओवर x का इंटीग्रल log ऑफ x एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ log. log y माइनस 3 ये 1 बाई 4 log की जो वैल्यू है x उसकी पावर में आ जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log प्लस log ऑफ c. दो log एड हो रहे हो तो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती हैं. सो लॉग सी एक्स रेस टू द पावर 1 बाई 4 एंड वी हैव वाई माइनस 3 इज इक्वल टू सी एक्स रेस टू द पावर 1 बाई 4. सो द रिक्वायर्ड आंसर विल बिकम वाई इज इक्वल टू 3 प्लस सी एक्स रेस टू द पावर 1 बाई 4. ये माइनस 3 है, राइट साइड पर आएगा, एड होगा, एंड दैट विल बिकम द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 17. सीकेंट एक्स प्लस टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हम सबसे पहले राइट साइड पर शिफ्ट करवाएंगे सीकेंट एक्स को. अब आप वेरिएबल्स आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, डीएक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हुए राइट हैंड साइड पर और टेन वाई डी वाई लेफ्ट हैंड साइड पर. अभी हमने बिल्कुल यही क्वेश्चन इससे प्रीवियस किया है जिसमें टेन वाई और सीकेंट एक्स था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम इसकी इंटीग्रेशन इजिली कर लेंगे. That is exactly the same answer जो हम अभी previous questions में करके आए हैं. Question number 18. ex plus e raised to the power minus x dy by dx is equal to ex minus e raised to the power minus x. जी solution start किया variables separate करने के लिए. हम इस चीज को divide कर सकते हैं right hand side पर और variables भी साथ ही separate कर दिए. left side पर सिर्फ dy, right side पर पहले ये डिवाइड हुआ और डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेशन अप्लाई की बोथ साइड्स पर,
लेफ्ट साइड इंटीग्रेट होने के बाद y, और राइट साइड पर अगर हम इंटीग्रेशन करें तो फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन अगर हो तो हम जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि पहले डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिरेटर में नजर आ जाए. सो लेट्स ट्राई ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स और ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स एंड देन डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स विच इज माइनस वन. सो एग्जैक्टली डेरिवेटिव मौजूद है डिनोमिनेटर का, लिहाजा इंटीग्रेशन अप्लाई की लेफ्ट साइड पे y और राइट साइड पर लॉग ई एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, यानी एक्चुअली लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यहां पर लग जाएगा एंड दैट इज ऑल्सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम किए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 18.